नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर। फरार हनीप्रीत एक रात के लिए यहां रुकी थी और किया था ये चौंकाने वाला काम। साध्वियों से रेप करने के आरोपी राम रहीम जहां एक तरफ जेल में अपने काले कारनामों की सजा काट रहे हैं, वहीं दूसर तरफ उनकी सबसे बड़ी राजदार मानी जाने वाली उनकी लाडली बेटी हनीप्रीत अभी भी फरार है। लेकिन इसी बीच हनीप्रीत को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल इस खुलासे के अनुसार बताया जा रहा है कि लुकआउट नोटिस होने के बाद हनीप्रीत ने एक दिन के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ शरण ली थी। जानिए कहाँ मिली थी हनीप्रीत। जानकारों की माने तो बाबा का फरार लाडली हनीप्रीत राजस्थान के हनुमानगढ़ जंक्शन गई थी। मिली जानकारी के अनुसार वहाँ उसने एक दिन का समय भी बिताया। हनीप्रीत ने वहाँ एक रात बिताई और अगली सुबह वहाँ से रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि यह हर रिश्तेदार कोई और नहीं बल्कि हनीप्रीत के भाई का ससुराल पक्ष ही था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस बारे में रिश्तेदारों से पूछताछ भी की। हालांकि पुलिस की पूछताछ के बावजूद अब तक रिश्तेदारों ने इस बात को साफ तौर पर स्वीकार नहीं किया है। हनीप्रीत के इस रिश्तेदार को पूर्व पार्षद बताया जा रहा है। उस रात जब हनीप्रीत वहां रुकी थी उसका जिक्र करते हुए हनीप्रीत के रिश्तेदार ने बताया कि उस रात हनीप्रीत ने खाना नहीं खाया था। वो रात भर परेशान रही और इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि उस पूरे समय हनीप्रीत रो रही थी। शायद उसे एहसास हो गया था कि वो अब नहीं बच सकती। जानकारी के लिए बता दे कि पुलिस को हनीप्रीत के राजस्थान में होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और राजस्थान के श्रीगंगानगर में हनीप्रीत की तलाशी शुरू कर दी गई। श्रीगंगानगर स्थित गुरुसर मरोडिया गाँव में राम रहीम का डेरा स्थित है। डेरे के एक बालिका विद्यालय में हनीप्रीत के छिपे होने की सूचना